चलो भाई देखो अब मैं क्या करूं। तो करना अच्छी बात। तो हम तो आज आए जानने के लिए कि केजरीवाल और सिसोदिया, केजरीवाल जेल में, सिसोदिया कह रहे हैं जेल का फाटक टूटेगा, वो भी आ जाएंगे। अब ये धीरे धीरे सब बाहर आ गए तो उम्मीद है कि वो भी आ जाए इन लोगों की। लेकिन इन लोगों का क्या चाल ढाल से जनता की? एक बात बताएं आपको, जब ये कह रहे हैं कि ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे बहुत अच्छे तीर मार के आए हो, बहुत अच्छा काम करके आए हो, जमानत मिलेगी तो जश्न नहीं मनाएंगे 17 महीने? नहीं सर, किस बात की? ये अभियुक्त है, ये अपराधी है, इन्होंने घोटाला किया है, किस बात का जश्न? कैसे आप जज हैं? बिल्कुल जो है मुक्त नहीं हो गए अपने। अरे तो आप ऐसी बात करें, आप जज थोड़ी नहीं है। जज ने कहा है अभी कि भाई इनको आपने गिरफ्तार किया। देखिए एक बात बताइए, जब सीबीआई और ईडी जो भी है एजेंसियां पीछे लगी हुई हैं, कुछ सोच कर ही लगी हुई लगी है कि लगाई गई? हाँ भाई, कैसी लगी? अरे ऐसा कुछ नहीं सर, कुछ ना कुछ तो होता है, तभी तो आगे बात बढ़ती है। बीजेपी के और एनडीए के नेताओं पर लग रही? इसका कोई जवाब नहीं है। जिनके ऊपर लग रही है वो उनको अपराध साबित होंगे, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे किसी। लगी नहीं रही तो ऐसा कुछ नहीं सर, मैं हैरान हूँ, ऐसा कुछ। एक नेता बता दीजिए बीजेपी का जो जेल में गया। आप ऐसी बात करते हैं, एक जरा सा जो है उनके ऊपर एलिगेशन लगा था अडवाणी जी पर, आपको याद होगा, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था। ये क्यों बैठा है जेल में और मुख्यमंत्री बने हुए? पहले इस्तीफा दे, अपनी जब साफ साबित होकर बाहर निकलेंगे तो फिर बन जाएंगे मुख्यमंत्री दिल्ली के। हेमंत सोरेन को आपने देखा सर? हेमंत सोरेन, हम दिल्ली के हैं, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। हमें इसने जब कहा था कि हम साफ सुथरा वो देंगे, प्रशासन देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त, अब खुद भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं तो क्यों नहीं पहले अपना इस्तीफा देते, जब वो साफ सुथरे होकर निकलेंगे तो बन जाए। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो कहते हैं कि भाजपा की यही चाल है कि पहले फंसाओ और इसके बाद जेल चले जाए तो इस्तीफा। कुछ नहीं है चाल। दीदी वाह दीदी। अब एक बात और, शायद ये लीक से हट के है, अब कम से कम 15 दिन से सेशन चल रहा है। अब देखो हमेशा गलत बोला जाता है, सभापति महोदय को भी, अध्यक्ष जी को भी, ओम बिरला जी को। तो वाह दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी। तो हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं कि कुछ भी बोल दे सदन के अंदर बैठे हुए, कुछ भी गलत मतलब जो भी बोल। अच्छा, ये रमेश विधूड़ी इसी संसद में कुछ बोले थे, आपको याद है? याद है सर। दीदी दीदी उनको भी जो है उस टाइम किया जाना चाहिए था, सजा दी जानी चाहिए, चाहे 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। कुछ मिली सजा उनको? नहीं मिली, लेकिन अब ये ज्यादा हो रहा है सर। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, अब ये ज्यादा बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे किसने क्या डेली डेली हो रहा है, एक दिन नहीं डेली हो रही है, डेली हम देखते हैं। मैं आपको बता रही हूँ ना, हमारे फादर जो है रिटायर्ड, वो सभा की कार्रवाई ही देख रहे होते हैं संसद की। पहले ये आप बताइए कि आपने कभी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में वोट किया था कि नहीं? सर एक बार किया, उसके बाद मतलब कि दिल से उतर गई ये पार्टी, बिल्कुल उतर। एक बार दी थी? हाँ जी, मेरे हस्बैंड एमसीडी टीचर है। टीचर है? हाँ जी, एमसीडी में। तो एमसीडी में ये लोग क्या किए हैं 1.5 साल में, कुछ बताइए। वही बता रही हूँ सर, जो है पहले तो चलो पे आती थी, लेट ही आती थी, इन्होंने बड़े वादे किए थे, अब भी पे 22, 23, 24 कई बार पूरा महीना नहीं आती सर, ऐसे हाल है। क्योंकि सारा पैसा तो इनकी जनमानस याचिकाओं में चला जाता है, कहाँ पे देंगे ना कोई बच्चों का। अब एमसीडी जब बीजेपी में की थी तब कब आती थी पे? हंस क्यों रहे? मैं हंस क्यों रहा, मैं पहले इनसे पूछ रहा हूँ हंस क्यों रहा। लेकिन सर अब तो बिल्कुल भी ना कोई अलाउंस आ रहा है ना कोई कुछ, एजुकेशन अलाउंस बच्चों की जो पढ़ाई के लिए आता है वो बिल्कुल नहीं है।